निशा रसोई की आज की रेसिपी है चिकन चॉकलेट कबाब। 250 ग्राम बिना हड्डी का चिकन है, इसको मैंने इस साइज में कट कर ली हूँ और धो ली हूँ अच्छी तरीके से, जाली वाले बर्तन में रख ली हूँ ताकि इसका पानी अच्छे से निथर जाए। ये फॉल पेपर है, इसको मैं कट कर लूँगी चॉकलेट के लिए। ये अमूल चीज़ है और ये भी चीज़ी है, देख सकते हैं आप, दोनों को मैं पीसने में इस्तेमाल कर लूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट है, पुदीना है, धनिया है, चार हरी मिर्ची है, बटर है और ये है मसाले, नमक है, काली मिर्च पाउडर है, चिली फेस है, भुना हुआ जीरे का पाउडर है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, मिर्ची पाउडर है और गरम मसाला पाउडर है। सारे मसाले मैंने मेरे हिसाब से ले लिए हूँ। अब मैं पहले धनिया और पुदीना और हरी मिर्ची को पीस लूँगी। धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची को मैं पहले पीस ली हूँ। अब मैं चिकन को ऐड कर लूँगी, चिकन के साथ सारे मसाले भी ऐड कर लूँगी। एक चम्मच भर के मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी और सारे में सूखे मसाले भी ऐड कर लूँगी चिकन में। इतना मैं बटर भी ऐड कर लूँगी, आमूल चीज़ भी ऐड कर कर ही मैं चिकन में पीस लूँगी। एक ये आमूल चीज़ ले लूँगी और इस तरीवा ये ले लूँगी, एक स्लाइस ले लूँगी। सारों को मैं मिलाकर चिकन में अच्छे से पीस लूँगी और फॉल पेपर को भी मैं कट कर कर ले लूँगी। आधा मैं पीस चुकी हूँ, अब मैं इसमें आधा लेमन निचोड़ लूँगी और इसकी बीज निकाल लूँगी मैं और इसको भी मैं अच्छे से मिलाकर पीस लूँगी और इसकी सारी बीज जो है इसको निकाल लूँगी मैं। इस तरीके से बीज को निकाल कर ले लूँगी। अगर आप लेमन नहीं डालना चाहते तो आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। सारी बीज को मैंने निकाल ली, नींबू की सारी बीज मैं निकाल चुकी हूँ और अच्छे से मैं चिकन को पीस ली हूँ। फॉल पेपर भी मैं कट कर ली हूँ। अब चिकन को मैं इस तरीके से हाथ में ले लूँगी और इस तरीके से मैं गोला बना लूँगी और इस तरीके से मैं फॉल पेपर पर चिकन को इस तरीके से पैक करते हुए जाऊँगी। इस तरीके से और इस तरीके से मैं इधर से फॉल कर दूँगी और यहाँ से भी मैं फॉल कर कर ले लूँगी। सारे चिकन को मैं इसी तरीके से फॉल कर कर ले लूँगी। सारे को मैंने चिकन को फॉल पेपर में पैक कर ली हूँ चॉकलेट की तरह। गैस मैंने ऑन कर दी हूँ और पैन में मैंने ऑयल डाल दी हूँ। अब एक एक में चॉकलेट चिकन को ऐड करते जाऊँगी ऑयल में और अच्छी तरीके से मैं फ्राई कर कर ले लूँगी। सारों को मैंने ऐड कर दी हूँ और मैं इसको फ्राई कर कर ले लूँगी। सारों को मैंने अच्छे से चिकन को फ्राई कर कर ले ली हूँ। अब इसी तरीके से मैं सबको फ्राई कर कर ले लूँगी। सारे चिकन को मैं इसी तरीके से फ्राई कर कर ले लूँगी। सारे चिकन चॉकलेट कबाब को मैंने फ्राई कर कर ले ली हूँ। अब मैं इसको एक कट कर कर आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही गर्म है, देख सकते हैं आप, अंदर से ये अच्छे तरीके से पक चुके हैं। चिकन चॉकलेट कबाब रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं आप ये कितने बढ़िया बन चुके हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो।